कमल हसन, इन्होंने यूं तो तमिल भाषा में सबसे ज्यादा फिल्म्स की हैं, लेकिन मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली और हिंदी सिनेमा भी खास जगह बनाई है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने 1981 की फिल्म एक दूजे के लिए से शुरुआत की थी। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही। हालांकि इन्हें हम हिंदी फिल्म्स में फिर देखते तो रहे, जैसे फिल्म सागर, सदमा, अप्पू राजा, और फिल्म सागर के लिए इन्होंने फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता। लेकिन इन्होंने ज़्यादा हिंदी फिल्म्स नहीं की, क्यों? आज यही बताने वाली हूँ, रील नहीं रियल स्टोरीज में। एक बहुत खूबसूरत कोइंसिडेंस ये था कि फिल्म एक दूजे के लिए कमल हसन की 101वीं फिल्म थी और पहली हिंदी फिल्म। इस फिल्म से वो नेशनल सुपरस्टार हो गए। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। वो कहते हैं, मुझे एक आदत हो गई थी, एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ और अगली फिल्म की ओर। लेकिन हिंदी फिल्म्स को बनाने में वक्त लगा करता था। एक डेढ़ साल तो आम सी बात थी, और इस टाइम में कितना कुछ बदल जाता, फैशन बदल जाता, कई सीन्स रीशूट करने होते। वो कहते हैं, जैसे रमेश सिप्पी साहब की 1985 की फिल्म सागर, उससे बनने में भी 3 साल लगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा, कमल हसन कहते हैं, 1 साल में बन जानी चाहिए थी। और मैं डिसिप्लिन ऑफ बेटर फिल्म मेकिंग की तरफ जाना चाहता था, और मैं एक टाइम पर एक फिल्म करना चाहता था, जैसे दिलीप साहब किया करते थे। और फिर नायकन के टाइम से 1986-87 से मैंने एक ही फिल्म करना शुरू किया। शायद मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता था, 5 फिल्म्स 5 गुना पैसा, लेकिन मैंने एक ही फिल्म करने की ठानी। और कुछ ऐसा हुआ कि एक ही फिल्म के लिए फिर मुझे 5 गुना पैसा भी दिया गया। और फिर ये ट्रेंड भी बना कि बड़े स्टार्स ने एक वक्त पर एक ही फिल्म करनी शुरू की। एक बार तो मनमोहन देसाई साहब इनसे नाराज़ हो गए थे। वो इनके साथ बात करने आए फिल्म अल्लाह राखा की, और कमल हसन ने कहा कि वो स्क्रिप्ट देन है। उन्हें थोड़ा बुरा लगा, बोले स्क्रिप्ट तो अमिताभ बच्चन ने भी कभी नहीं मांगी। इन्होंने कहा, वो शायद स्क्रिप्ट के बारे में ना पूछना अफोर्ड कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। कमल हसन कहते हैं, आज भी हम उस मीटिंग को याद करते हैं तो कभी कभार हंस देते हैं, लेकिन उस वक्त सचमुच मेरा मकसद मनमोहन देसाई साहब को हर्ट करना नहीं था। मैं तो अपनी बात कहना चाहता था, और उस दिन पहले मिलने के लिए मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने उन्हें चाय भी नहीं पूछी थी, तो वो इस बात के लिए भी नाराज़ हो गए थे। कमल हसन ने बॉलीवुड में बेशक बहुत ज़्यादा फिल्म्स ना की हों, लेकिन कई ऐसी फिल्म्स की हैं जो यादगार हैं, उनके फैंस के लिए भी और उनके खुद के लिए भी, जैसे ऋषि कपूर के साथ सागर। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है। जिनके लिए कमल हसन कहते हैं, मैंने आखिरी बार तब सेट पर क्रिकेट खेला था। शूटिंग के वक्त 10 फिल्म्स की मेकिंग का मजा लिया था। अमिताभ बच्चन साहब के साथ इन्होंने फिल्म की थी गिरफ्तार, शाहरुख के साथ फिल्म की थी हे राम। वो कहते हैं, शाहरुख को मालूम था कि हे राम का बजट कितना है, और ये फिल्म ओवर बजट भी हो गई, तो शाहरुख ने अपनी फीस भी नहीं ली। और इस बारे में मैंने जितनी बार बात करने की कोशिश की, शाहरुख ने कहा, बस इस बात को छोड़िए आप। और सिर्फ एक रिस्ट वॉच थी जो हमने शाहरुख को दी थी इस फिल्म के लिए। अब इस फिल्म के जो राइट्स हैं वो शाहरुख के पास ही हैं, जिसके लिए कमल हसन कहते हैं, मुझे बहुत खुशी है। कमल हसन एक्टर तो बनना ही नहीं चाहते थे, ये राइटर बनना चाहते थे, और राइटिंग को ये अभी भी बहुत इंजॉय करते हैं। हिंदी फिल्म्स की बात करूं तो 1997 की फिल्म विरासत इनकी ही लिखी हुई है। इनके परिवार में क्योंकि बहुत सारे वकील थे, तो पिता चाहते थे एक बच्चा तो आर्टिस्ट ज़रूर बने। इन्होंने कथक सीखा है और इन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा है। कमल हसन, जिनके लिए मणिरत्नम ने कहा कि ये वो भी कर सकते हैं जो दूसरे एक्टर्स नहीं कर सकते, पद्मश्री, पद्म भूषण कमल हसन, जिन्हें नेशनल ट्रेजर कहा जाता है। इन्होंने कई अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं। यकीनन ये सिनेमा की दुनिया में वो मकाम रखते हैं जो आने वाले आर्टिस्ट को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। कमल हसन की कौन सी फिल्म है जो आपकी फेवरेट है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।